जल ही जीवन है और जल के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन यही जीवन दायिनी जल जब सैलाब बन जाता है तो फिर विनाश का कारण बन जाता है, मानवता के लिए खतरे के का सबब बन जाता है। मॉनसून की बारिश से देश के कई हिस्सों में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर गुजरात के द्वारकाधीश तक सैलाब अपना कहर बरपा रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मॉनसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। असम में तो लगातार हो रही बारिश से तकरीबन 12 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी भर गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी मॉनसून की बारिश से सैलाब का सितम देखा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वलसाड समेत कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि नदियां पूरे उफान पर हैं और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के चलते हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है और कमोवेश हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम में पहले ही तेज बारिश के कारण हालात खराब हो चुके हैं। भारी बारिश और बाढ़ के चलते असम में दो और लोगों की जान चली गई। बाढ़ से असम में अब तक कुल 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के लखीमपुर, डिब्रूगढ़, कोकराझार, जोरहाट समेत 12 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस जिलों की अगर हम बात करें तो 2.62 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की प्रमुख 5 नदियां 2 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं भारी बारिश का असर असम के काजीरंगा पार्क में भी देखा जा रहा है। बाढ़ का पानी काजीरंगा नेशनल पार्क में घुस गया है, जिससे जंगली जानवरों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तो सैलाब का सितम किस तरह से जारी है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर हम आपको असम की सड़कों की दिखा रहे हैं, जहां पर डिब्रूगढ़ में आप देखिए किस तरह से सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई हैं। दूसरी तरफ हम काजीरंगा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जानवरों की मुसीबत जो है वो काजीरंगा पार्क में बढ़ गई है, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मॉनसून के साथ आई मुसीबतें। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। हरिद्वार में बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव हुआ है। तो देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। हरिद्वार में बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव हुआ है। उत्तराखंड में मॉनसून के साथ मुसीबत आई है और ये मुसीबत इस कदर कि सड़कों पर पानी भर गया है। और पहाड़ों में तो स्थितियां ये हो जाती हैं कि जब बारिश ज्यादा होती है तो लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। तो उत्तराखंड में मॉनसून के साथ पहाड़ों में सड़कें किस तरह से समंदर बनी। हरिद्वार में बारिश के चलते कई हिस्सों में जलभराव हो गया। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। हरिद्वार में बारिश के चलते कई हिस्सों में जलभराव हुआ। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में मॉनसून के साथ हुई बारिश ने किस तरह से लोगों का जीना मुहाल किया है, ये तस्वीरें देखे। नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश मुसीबतों को साथ लेकर आई है। जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ के साथ जलभराव की खबरें आ रही हैं। मूसलाधार बारिश से देहरादून मसूरी हाईवे बंद हो गया है, जिससे कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। पहाड़ों पर घूमने का प्लान तो हो जाइए सावधान। पहाड़ में बादलों की दहाड़, मूसलाधार बारिश से जीवन बेहाल। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश ने हाहाकार मचा दिया है।
मसूरी, हरिद्वार, केदारनाथ में बीते दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऐसे में अब मॉनसून की बारिश के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड, जल जमाव और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गईं। मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से लोगों को कई घंटों में जाम में फंसा रहना पड़ा। सड़क चालू नहीं होने के कारण लोग अपने वाहनों को सड़क पर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। सूचना के बाद सुबह पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने JCB से मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू कराया और वाहनों को रवाना कर दिया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर मलबा आने से रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस कर्मी एक एक कर वाहनों को जाम से निकाल रहे हैं। ये सभी वाहन 7 से 8 घंटों से यहाँ फंसे हुए थे। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि JP बैंड के पास बारिश के साथ जब सड़क पर मलबा आया तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे में अपनी गाड़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि मसूरी के प्राकृतिक और नगर पालिका द्वारा निर्मित नालों में लोगों ने मलबा डाल दिया था। इसका खामियाजा बरसात के सीजन में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तेज बारिश में मलबा नाले से बहता हुआ मुख्य सड़क पर आ गया और सड़क बंद हो गई। गनीमत रही कि इससे किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के मुसीबतों को साथ लेकर आई है। मौसम विज्ञान ने 3 से 4 दिन तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर रहते हैं या घूमने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात में मॉनसून की बारिश ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश से अहमदाबाद, सूरत, वलसाड समेत कई शहरों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अहमदाबाद के शैला एरिया में एक सड़क धस गई जिससे वहां बड़ा गड्ढा बन गया। बारिश से सूरत में कई जगहों पर सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। सूरत जिले के पलसाना तालुका में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 8 जिलों में अब रेड अलर्ट घोषित किया गया है। 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। कक्ष, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ और सूरत, दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बनासकांठा, पाटन, मोरबी, राजकोट, अमरेली, भावनगर को ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। दक्षिण गुजरात में पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। नवसारी जिले में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भीषण गर्मी के बाद शुरू हुई मॉनसून की बारिश ने पूरे गुजरात को झंझोर कर रख दिया है। अगर हम बात करें सूरत समेत दक्षिण गुजरात की, तो सूरत के अंदर पिछले 2 दिन से शुरू हुई बारिश के अंदर कई लो लाइन एरिया है जहां पर पानी का जल भराव होना शुरू हो चुका है, जहां पर आने जाने के लिए वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कई दुकानें और घरों के अंदर भी पानी घुसना शुरू हो चुका है। ऐसे ही हाल नवसारी और वलसाड जिले में भी है। नवसारी जिले की अगर बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी जल भराव के कारण आवागमन बाधित हुआ है। साथ ही वहां पर रहने वाले लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से वलसाड और वापी जैसे इलाकों में भी भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। और सारी जगहों पर जो प्रशासन की प्री मॉनसून कामगिरी की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। यही हाल सौराष्ट्र रीजन का भी है। सौराष्ट्र में जूनागढ़, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट समेत जामनगर के कई इलाकों में भी जल भराव की यही स्थिति देखने को मिल रही है। गुजरात सरकार के जो प्री मॉनसून प्रोजेक्ट है वो सब जगह फेल होते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद सहित महसाणा, उत्तर गुजरात के सारे इलाकों में, मध्य गुजरात के सारे इलाकों में बारिश से लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। यही पूरा जो हाल अगर हम कहें तो पूरे गुजरात के
कई ऐसे इलाके हैं जो अभी संपर्क से बाहर हो चुके हैं, वहां पर आना जाना मुश्किल हो चुका है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें भी डेप्यूट की गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। आने वाले 48 घंटे तक भारी बारिश की जो संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है, उसको देखते हुए आने वाले दो दिन और ज्यादा मुश्किली बढ़ सकती है पूरे गुजरात के कई इलाकों में। तो यही हाल अगर आने वाले समय में भी रहेगा तो लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यही हाल गुजरात सरकार की जो प्री मॉनसून की कामगिरी का जो दावा था, वो दावा अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं जयेश सोनी, इंडिया न्यूज, सूरत। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी मॉनसून की बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश से छत्रपति संभाजी नगर के जुई नदी में बाढ़ आ गई है। नदी में आए सैलाब से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जुई नदी में आए बाढ़ से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। जुई नदी के अलावा आसपास की दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो जुई नदी की हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है वो जानलेवा होता हुआ दिख रहा है। आप अगर पानी का प्रेशर देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह से पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमदा है। तो कहीं पहाड़ टूटा तो कहीं पानी। ये छत्रपति संभाजी नगर जुई नदी में किस तरह से सैलाब आया है, पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है। नदी में जलस्तर बढ़ने से किस तरह से स्थितियां जो हैं वो यहाँ पर भयावह होती हुई दिख रही हैं।